क्वेश्चन 5.1 है हमारे पास. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. इफ वन ऑफ देम इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर. हमने यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डेफिनेशन देखनी है. टेंजेंशियल वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल. अगर देखें तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो ये किसके अलोंग होती है? टेंजेंट टू द सर्कल होती है. एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, फर्ज करें वो रस्सी के साथ बंधा हुआ है, तो ये उसका रेडियस है और ये पाथ है इसका जिसके अराउंड ये मूव कर रहा है. तो ऐसी वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट को टेंजेंट टू द सर्कल जो है मूव करवाना चाह रही, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पे. व्हाइल एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ऐसी वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट को एंगुलर वेलोसिटी में सर्कुलर पाथ में मूव करवाए और इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, ऐसी वेलोसिटी हमारे पास होगी एंगुलर वेलोसिटी. दूसरा था कि अगर हमें एक वेलोसिटी जो है एक मतलब है वेलोसिटी जो एंगुलर है चाहे वो टेंजेंशियल है, अगर एक पता हो तो दूसरी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन है? तो हमारे पास सिंपल ये रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. ये सिंपल रिलेशन है. अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी अननोन है जबकि टेंजेंशियल वेलोसिटी नोन है, तो हम जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 5.2. एक्सप्लेन वट इज़ मेंट बाई सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज़ टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ. तो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि डेफिनेशन जो है वो बताएं सेंट्रीपिटल फोर्स की, और उसके बाद ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों ज़रूरी होती है एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए. तो इसका आंसर ये है, द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर एक फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने में कंपेल कर रही है, तो ऐसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे. टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर. ये टी जो है ये अपने रिप्रेजेंट किया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स को, आप एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी. ये हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है. टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल होती है ऐसे. और ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ होगी. विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स द बॉडी विल नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ. कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करना चाह रहा है तो लाजमी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके ऊपर असरअंदाज हो. उसके बाद क्वेश्चन 5.3 की तरफ आते हैं. वट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल. अगर एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका रेडियस r है, उसका मास को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? द स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यानी कि सेंटर से लेकर मास तक जो डिस्टेंस है इसको हमने रेडियस कहा हुआ है, और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसका अगर स्क्वायर लेके मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो मोमेंट इनर्शिया होगा. अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले सेम रोल ड्यूरिंग एंगुलर मोशन एज बाय मास ड्यूरिंग लीनियर मोशन. जिस तरह से मास को हम लीनियर मोशन में कंसिडर करते हैं, इस तरह एंगुलर मोशन में हम मास नहीं कहेंगे उसको, बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे. इसी तरह मास इज़ द मेजर ऑफ लीनियर इनर्शिया. लीनियर इनर्शिया में हम मास को मेजर करते हैं, वाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया. लेकिन जब हम रोटेशनल इनर्शिया की बात करते हैं तो हम मास जो है वो सिर्फ मास जो है वो मेजर नहीं करेंगे बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे. तो ये हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस है. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5.4 की तरफ आते हैं. व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या है? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताना है. तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन हम पहले देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, और सिंपली हम इसको आर मल्टीप्लाई बाई पी भी लिख सकते हैं, यानी कि रेडियस और मोमेंटम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन इट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस द सेम कॉन्स्टेंट। अगर हम कोई भी बैरूनी फोर्स नहीं लगा रहे और ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जितना भी एंगुलर मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे अगर टोटल मोमेंटम है डिफरेंट बॉडीज़ का है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको उसका जो मोमेंटम है वो ओवरऑल क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। 5.5 की तरफ आते हैं, शो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल ओ इज इक्वल टू एम वी आर। ये जो रिलेशन है इसको हमने प्रूव करना है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में इस तरह से, उसका रेडियस आर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एल इज इक्वल टू आर पी, आर पी आर क्रॉस पी। तो आर क्रॉस पी को हम लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा। पी इक्वल होता है एम वी के, यानी कि आर एम वी साइन थीटा हमारे बन जाएगा एम वी आर साइन थीटा। वी और आर के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री। देखें ये आर है और ये वी है, इसके दरमियान एंगल कितना बना? 90 डिग्री। साइन 91 होता है, हमारे पास आ जाएगा एल 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 ओ इज इक्वल टू एम वी आर। 5.6 की तरफ आते हैं, डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। के एक सैटेलाइट है उसको हम मूव करवाना चाह रहे हैं अर्थ के अराउंड, तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी जो है इनिशियली रिक्वायर्ड होती है? द मिनिमम वेलोसिटी नीडेड टू ऑर्बिट अ सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट करने के लिए अर्थ के अराउंड, उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। सपोज अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सैटेलाइट मूव करना चाह रहा है अर्थ के अराउंड उसको लाजमी ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए होता है, ग्रेविटेशन फोर्स उसको लाजमी सेंट्रीपिटल फोर्स देती है जिसकी वजह से वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव करता है। फर्ज करें फोर्स जो है वो हम कहते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एम जी के इक्वल है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल है, दोनों को हम इक्वल करार देंगे। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स जब इक्वल हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के तो तब वो सैटेलाइट मूव करना शुरू कर जाएगा, मूव अराउंड द अर्थ। तो इसलिए हमने दोनों फोर्सेस को इक्वल रख लिया, मास और मास के साथ ही कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर आ जाएगा। अब जी आर, जी की वैल्यू होती है 9.8 और आर है रेडियस ऑफ द अर्थ, हमने पुट किया मल्टीप्लाई किया तो हम फिर स्क्वायर लिया बोथ साइड, तो हमारे पास जो आया 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी हमें मिनिमम वेलोसिटी जो है वो सैटेलाइट को देनी पड़ेगी कि वो मूव अराउंड अर्थ करे। 5.7 की तरफ आते हैं, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? तो अगर देखा जाए तो ये हम एक ऑब्जेक्ट है वो अपने एक्सिस के मूव ही अराउंड मूव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन को फाइंड कैसे किया जाता है? तो उसके लिए हमने राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया है, वो क्या है उसको हम देखते हैं। द राइट हैंड रूल इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये यानी कि अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये एक्सिस है, इसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है, तो राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया तो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को हमने फाइंड कर लिया। इसका प्रोसीजर क्या है कि हम ग्रेस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड, राइट हैंड जो है उसे आप
एक्सिस को मजबूती से पकड़ें, कर्ल द फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और आपकी जो फिंगर्स हैं ये कर्ल अराउंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ होनी चाहिए। एंड द इरेक्ट थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो इरेक्शन है थंब इरेक्शन है ये शो करता है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड यानी कि अलोंग द एक्सिस। 5.8 की तरफ आते हैं, एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग, यूज योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट व्हाई ऑब्जेक्ट अपीयर वेटलेस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस। तो सबसे पहले हम वेटलेस की बात कर लेते हैं, वेटलेस क्या होता है। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी मूव्स ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सो दैट द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी स्टेट इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। देखें एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम ये टॉप सरफेस से नीचे फेंकते हैं, तो अब इसके ऊपर अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया जाए तो इस पे एक फोर्स लग रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। सिर्फ एक फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट सिंपली ग्राउंड पे गिरा है। तो अब जब तक ये ऑब्जेक्ट एयर में था उस वक्त उसका वेट जो होगा वो वेटलेसनेस की सिचुएशन में होगा, क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स असरअंदाज हो रही है। तो हम सिंपली कहेंगे ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स असरअंदाज हो रही हो, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऐसी सूरत में और वो भी ऑब्जेक्ट एयर में हो तो वो वेटलेसनेस की पोजीशन में होगा। अब आप देखें फ्री फॉलिंग बॉडी, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन में ये था ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है जैसे सैटेलाइट वगैरह हैं, तो वो कैसे हम कहेंगे कि वो फ्रीली फॉलिंग में है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली फास्ट इनफ फ्रॉम सर्टन हाइट सो दैट द कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ विल मैच विद द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। हमने पढ़ा था जैसे मिनिमम वेलोसिटी जो है एक सैटेलाइट को चाहिए होती है कि वो ऑर्बिट अराउंड द अर्थ करे, तो इसी तरह अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक हॉरिजेंटली काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ स्पीड दे के हम उसको फेंकते हैं तो क्या होता है कि जो अर्थ का कर्वेचर है और उस ऑब्जेक्ट के गिरने का कर्वेचर है वो सेम हो जाता है। उस ऑब्जेक्ट का कर्वेचर क्यों सेम होता है, क्योंकि हमने तो हॉरिजेंटली फेंका था, वो कर्व उसमें क्यों बनी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से है वो उसके ऊपर लगी, तो वो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, टूवर्ड द अर्थ हो गई। तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट था यानी कि द ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो इस सूरत में क्या हो जाएगा कि वो जो सैटेलाइट था बजाए अर्थ की जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से दूर हटने के वो क्या हो जाएगा, रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। सो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ अंडर द कॉन्स्टेंट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उसकी जो इफ़ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ अंडर द कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, वो कॉन्स्टेंट एक्सलेशन में चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। तो वी कैन से दैट द ऑर्बिटिंग बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, तो हम कहेंगे कि वो जो ऑर्बिटिंग बॉडी है अराउंड द अर्थ वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। 5.9 की तरफ आते हैं, व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर्स ऑफ मूविंग बाइसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डस इट फ्लाई एक्सप्लेन इट। हमने देखा होगा कि टायर्स हैं उनके ऊपर मड लगा होता है, जैसे ही वो अगर गाड़ी के टायर की बात करें जब वो स्पीड पकड़ती है तो वो मड जो है वो अलग हो जाता है, तो इसकी क्या रीज़न है। व्हेन स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इंक्रीजेज, साइकिल की बात करें तो क्या होता है, व्हेन स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इंक्रीजेज देन एडहेसिव फोर्स मीन स्टिकिंग, चिपकने वाली फोर्स बिटवीन द मड एंड द टायर इज नॉट सफिशेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो चिपकने वाली फोर्स है गारे और टायर के दरमियान वो इतनी काफ़ी नहीं है कि उस मड को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर सके कि वो साथ साथ मूव करता चला जाए। सो द टायर्स एंड मड सो द मड लीव्स द टायर्स एंड मूविंग अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल। और क्या होता है, मड जो होता है वो परे गिर जाता है,
और मूव्स अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कि टेंजेंट टू द सर्कल जो है वो इस तरह से गिर जाता है, अलग हो जाता है टायर से। 5.10 की तरफ आते हैं हम। अ डिस्क एंड अ हुप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम। हमारे पास फिगर में अगर देखें तो एक हुप है, एक डिस्क है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे इस डायरेक्शन में इस तरह पड़े हुए हैं। विच वन विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द बॉटम, बॉटम तक पहुंचने पर किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ हुप एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज, इंक्लाइंड प्लेन पे जो हम हमारे पास फार्मूले के मुताबिक वो है स्पीड ऑफ हुप विल बी, वेलोसिटी जो होती है वो जी एच के इक्वल है। स्पीड ऑफ हुप एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, अब स्पीड ऑफ डिस्क है, सॉरी स्पीड ऑफ डिस्क, अगर डिस्क की बात करें तो उसकी इंक्लाइंड प्लेन पे जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट 4/3 जी एच है। अगर हम इन दोनों को इक्वल रख लें, मतलब इक्वल पोजीशन पे है ना, तो फ़र्ज़ करें अगर हम इनको इक्वल रखते हैं तो अंडर रूट 4/3 जो होता है ये होता है 1.15, ठीक हो गया। तो डिस्क और हुप, ये अगर हुप थी ये डिस्क की, तो अगर देखा जाए तो डिस्क जो है वो क्या है, हुप के तब इक्वल होगी, हुप को मल्टीप्लाई होना होगा 1.15 के साथ, तब वो डिस्क की वेलोसिटी के इक्वल होगी। इसका मतलब हुआ डिस्क की जो वेलोसिटी है वो हुप की वेलोसिटी से क्या है, ज़्यादा है। तो अब हमें पता है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज स्मॉलर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का वो क्या है, स्मॉलर। अगर स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हुप, सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क क्या होगी, फिर ज़्यादा होगी। यानी कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी उसकी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क स्मॉलर होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क क्या होगी, ग्रेटर होगी। सो हम क्या कहेंगे, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज ग्रेटर देन द हुप। 5.11 की तरफ आते हैं। व्हाई डस अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग द पूल। हमने देखा होगा कि एक डाइवर है, जब भी वो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए छलांग लगाता है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है When a diver lifts off from the diving board, जैसे ही diving board छोड़ता है ये, his legs and arms are fully extended, तो वो उसकी जो legs हैं और वो जो उसके बाजू हैं वो fully extended होते हैं, मगर मसलन खुले हुए होते हैं। So his moment of inertia I1 is large, उस वक़्त जब वो extended होते हैं उसके arms और legs, तो उस वक़्त moment of inertia I1 वो ग्रेटर होता है, बट एंगुलर वेलोसिटी उसकी समाल होती है। व्हेन लेग्स एंड आर्म्स ऑफ द डाइवर आर ड्रॉन इनटू क्लोज टक पोजीशन, यानी कि इस पोजीशन में आता है, तो उस वक्त क्या होगा, हिज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इज रिड्यूस्ड, उस वक्त मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, सो दैट हिज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 विल इनक्रीज टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। अब जैसे ही उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखा जाए तो पहले क्या था, पहले में ये था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था और एंगुलर वेलोसिटी कम थी, और बाद में क्या हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, यानी कि जब उसने अपनी पोजीशन को क्लोज टक पोजीशन में कर लिया तो उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। तो ये क्यों किया, ताकि वो चाहता है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहे, यानी कि बिफोर I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2 दोनों क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर एक बढ़ती है दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है, इसी तरह अगर जो बड़ी थी यहाँ पे ये सेकंड केस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ये बढ़ जाती है। 5.12 है हमारे पास। अ स्टूडेंट होल्ड टू डम्बल्स विद स्ट्रेच आर्म्स वाइल सिटिंग ऑन टर्न टेबल, ही इज गिविंग अ पुश अनटिल ही इज रोटेटिंग एट सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। The students then pulls the dumbbells towards his chest. What will be the effect on rate of rotation? अगर हम यहाँ पे देखें तो अब इस स्टूडेंट ने dumbbells उठाए हुए हैं
एक दफ़ा वो स्ट्रेच होते हैं और एक दफ़ा वो क्या होते हैं, स्ट्रेच कर रहा होता है और दूसरे में वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा होता है। तो इस सूरत में जो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एंगुलर वेलोसिटी है, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखते हैं। व्हेन स्टूडेंट होल्ड्स टू डंबल्स बाय स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स देन द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इंक्रीज्ड। अगर वो स्ट्रेच कर रहा है देखें इस तरह से, तो उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बढ़ जाएगा, सो द एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीज। When the student pull the dumbbells toward his chest, अगर वो chest की तरफ इस तरह dumbbells को लेके जाता है, the moment of inertia decreases, I की value क्या हो जाएगी, I moment of inertia की कम हो जाएगी, so the angular velocity is increase. But during the whole process, total angular momentum remains constant. क्या मतलब कि पहले क्या था, उसका moment of inertia ज़्यादा था और angular velocity कम थी। Second case में क्या हुआ, angular velocity ज़्यादा हो गई और moment of inertia कम हो गया। तो दोनों सूरतों में क्या हो गया, ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहा है, इसलिए हम कहेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.13, एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। टीवी ट्रांसमिशन के लिए हमें कितने जो सैटेलाइट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अर्थ है और इसके अराउंड जो है मिनिमम 3 सैटेलाइट्स होने चाहिए। ईच सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कवर्स 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनके दरमियान जो एंगल है ये कितना है, 120 डिग्री का है। सो द होल पॉपुलेटेड अर्थ सरफेस कैन बी कवर्ड बाय 3 करेक्टली पोजिशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, द होल अर्थ कैन बी कवर्ड बाय जस्ट 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे यहाँ पे नीचे ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।